झारखंड में पारा शिक्षकों की मॉनिटरिंग करने वाली बीआरपी और सीआरपी का मानदेय पारा शिक्षकों से भी कम है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। सोमवार को सेवा शर्त नियमावली व मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर धनबाद जिला बीआरपी सीआरपी महासंघ ने रणधीर वर्मा चौक पर मौन धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड साधन सेवी एवं सुंकल साधन सेवी वर्ष 2005 से कार्यरत है, लेकिन 6 वर्षों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। इस मामले को लेकर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, जरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह एवं कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर स्थिति स्पष्ट की थी। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग सीआरपी बीआरपी शोषण के शिकार है। विगत 6 वर्ष हो गया है, मानदेय में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और परियोजना कर्मी शिक्षा विभाग में ही समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत हमारे परियोजना कर्मी अभी तक 100% की वृद्धि हो चुकी है। पारा शिक्षकों की वृद्धि 50% की वृद्धि हो चुकी है। पारा शिक्षक का जब वृद्धि हुई और उसका जब सेवा शर्त नियमावली बना माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अगुवाई में, उस घड़ी हमारा भी कमेटी बना था और उस कमेटी में हमारा भी मानदेय का वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव बना, कमेटी द्वारा पास कर दिया गया, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया, शिक्षा सचिव के द्वारा भी अनुमोदित हुआ। अभी वर्तमान स्थिति यह है कि कैबिनेट में आज पिछले 1.5 साल से खटाई में पड़ा हुआ है और हम लोग 2 अगस्त 2023 को एक प्रतिनिधि मंडल माननीय अशोक सिंह, पूर्व विधायिका महागामा दीपिका पांडे, झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह की नेतृत्व में हम लोग विधानसभा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि 1 से 1.5 महीना का समय हमको दीजिए, आपका काम भी हम कर देंगे। आज 4 महीना बीत गया है, हमारा काम जस का तस पड़ा हुआ है और हम लोग पूर्ण रूप से त्रस्त है। यही हम लोग आज मौन धरना में बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जो कैबिनेट में जो फाइल रुकी हुई है अविलंब कैबिनेट में पास हो, हमारा मानदेय वृद्धि हो और सेवा शर्त नियमावली 60 वर्ष का जो बना हुआ है वो अविलंब लागू हो। अन्यथा अगर लागू नहीं होता हो तो मान के चलिए कि हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन पर, एक साथ हम लोग पूरे राज्य का सीआरपी बीआरपी हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जवाबदेही झारखंड सरकार की हो। 27 सितंबर 2023 को विधायक दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में गोड्डा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर संघ ने ज्ञापन दिया। बावजूद यह मामला आज तक कैबिनेट में नहीं आया। बीआरपी सीआरपी की मौन धरना में कांग्रेस के वरीय नेता अशोक कुमार सिंह भी पहुंचे एवं अपना नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बीआरपी सीआरपी की मांग जायज है, इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। पारा शिक्षक जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई है और हमारे जो बीआरपी सीआरपी है, इन लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, इसको लेकर के ये लोग लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, जिनको लोग टाइगर कहता है, आज वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उन्होंने वचन दिया था इन लोगों को कि आप लोगों की जो मांग है उसको मैं पूरा करूँगा, लेकिन अफसोस है कि अभी तक इनकी मांग को नहीं सुनी। मैं भी इनकी एक डेलीगेट्स को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ मुलाकात कराया था, उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा किया जाए। मेरा ये कहना है कि एक तरफ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा है उसका ऋण यही लोग हैं, बीआरपी और सीआरपी, जितना भी कार्यक्रम होता नामांकन से लेकर के भोजन तक सारी प्रक्रिया का देखभाल, उसको इम्प्लीमेंट कराना सब इनकी जिम्मेवारी है। वो इनको खर्च भी है, मोटरसाइकिल से गांव में जाते हैं,
सबकी ड्यूटी अलग अलग है, बीआरपी का क्षेत्र लंबा होता है, सीआरपी का भी एरिया बटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको घूमने में जितना दरमाहा अभी मिल रहा है, मानते जो अभी 15,000 मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें से आधा पैसा तो इनको पेट्रोल में खर्चा हो जाता है, पूरे महीने इनको ड्यूटी देनी है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो पुरानी व्यवस्था थी, जब पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ता था तो बीआरपी सीआरपी का मानदेय उसी अनुपात में बढ़ जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हुआ, ये कारण समझ से परे है। सरकार से मेरी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस महंगाई के ज़माने में विचार करें, और जो हमारे बीआरपी सीआरपी भाई हैं इनके मानदेय में बढ़ोतरी करें, साथ ही साथ जो सेवा शर्त हैं उसको भी कहीं ना कहीं सरकार को लागू कर देनी चाहिए, ताकि इसमें आप अगर देख सकते हैं ना तो काफ़ी लोगों का उम्र हो गया है और ये सिर्फ निबंधन में ही काम करते चले जा रहे हैं, तो अस्थायीकरण होना चाहिए। ये सब चीज़ है जो इनकी मांग है, मैं आज इनके मांग के समर्थन में यहाँ बैठा हूँ। सरकार से मेरी मांग है कि इनकी मांगों पर विचार करके पूरा करें। धरना में जिला अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद महतो, अब्दुल सत्तार अंसारी, अजहर हुसैन अंसारी, विराज दास, संजय रजक, भुवन चंद्र महता, मधुकर प्रसाद, शंकर रवानी, प्रवीण गुप्ता, मधुसूदन गोराई, अभिजीत भट्टाचार्य, काशीनाथ, चंदन मिश्रा आदि मौजूद थे।